आज हम देखेंगे आलू पालक। बहुत टेस्टी रेसिपी है और हम उसे रोटी पराठा नान के साथ खा सकते हैं। और उसके लिए चाहिए हमें पालक, जो हमने बारीक कट काट लिया है और इसे बाद ब्लांच कर लेंगे। एक आलू, आलू और पालक दोनों को उबाल के लेना है। यह है हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, ये तीनों मिलाकर पेस्ट बनाई है हमने, जरा दरदरी पीसी है। बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज, तेल, नमक, हींग, हल्दी पाउडर और बटर। अब हम इसे कुकर में ब्लांच कर लेंगे। कुकर में एक साथ आलू और पालक दोनों को उबाल लेंगे। पालक जो हमने बॉईल करने के लिए रखा था वो हो चुका है और हमने इसे मिक्सी में पीस लिया है। और आलू को भी उबाल के डाइस में काट लिया है हमने। अब हम पैन को गरम करने के लिए रखेंगे। तेल डालेंगे और जो ये उबले हुए आलू है इसमें डाल के थोड़ा फ्राई कर देंगे। थोड़ा अच्छा फ्राई करना है हमें इसे, थोड़ा लाल होने तक। चुके हैं हमारे आलू, अब हम इसे निकाल लेंगे। इन्हें और जो ये तेल है इसी में हम जीरा डालेंगे। थोड़ी हींग और बारीक कटा हुआ प्याज। टमाटर और ये जो हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट किया है हमने, ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। क्योंकि ये अदरक लहसुन और मिर्ची जो पेस्ट बनती है तेल में फ्राई होने के बाद बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, एकदम थोड़ी, ज्यादा नहीं डालनी हमें, और नमक डालेंगे ताकि ये पूरा मसाला है वो अच्छे से मिल के आए।
ये अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हमने जो उबाल के रखे हैं, गार्निशिंग के लिए थोड़े से रखेंगे बाकी बाद में। ये ऐसे फ्राई करने से आलू में ये पूरे पेस्ट जो हमने मसाला बनाया है इसका स्वाद आएगा। वो आलू में अंदर तक वो स्वाद जाने से टेस्टी हो जाएंगे आलू। अब इसमें डालेंगे पालक जो हमने उबाल के, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। एक अच्छे से उबाल आने देंगे इसे ताकि ये पूरा मिश्रण जो है वो एक साथ हो जाए, मसाला इस पालक में भी लग जाए, आलू में भी लग जाए, अच्छा हरा कलर आया है इसका, एक अच्छा उबाल आने को रखेंगे।